वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मेरे जीवन का परम भाग्य है कि अयोध्या के इस पवित्र भूमि पर आज मुझे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। बहनों और भाइयों, हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति में प्रभु रामचंद्र हमारे आस्था और श्रद्धा के प्रतीक है। हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास भगवान राम के बिना लिखा नहीं जा सकता। रामायण और महाभारत ऐसे दो ग्रंथ हैं जिन्होंने भारतीयों के मनों को नहीं, उनके जीवन को नहीं, तो उनके पूरे जीवन को ही संस्कारित किया है। महात्मा गांधी जी ने जिसका वर्णन किया है कि आदर्श राज्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा है कि आदर्श राज्य अगर कोई है तो राम राज्य, यही आदर्श राज्य की संकल्पना है। एक आदर्श पिता, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, सभी प्रकार के आदर्श हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जीवन में, उनके व्यक्तित्व से हमको मिलता है। और ये हम सबको खुशी है। खुशी इसलिए है कि मैं जब राजनीति में आया और अयोध्या का आंदोलन जब चल रहा था, तो एक युवा विद्यार्थी के रूप में इस आंदोलन में भी भाग लेने का मुझे मौका मिला था। आज हमें बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि आंखों में अश्रु आते हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है देखते हुए मन इतना खुश होता है, इतना आनंद मिलता है कि मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसे इस पवित्र भूमि पर अयोध्या में आज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास हो रहा है। पुराणों में अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को अति महत्वपूर्ण बताया गया है। इस पौराणिक मार्ग का काम करने के लिए पहले इसको राष्ट्रीय महामार्ग करके हमें घोषित करना पड़ा। इसको हमने एनिज घोषित करके इसका विकसित करने का काम आज शुरू हो रहा है। मुझे खुशी है कि करीब 3100 करोड़ रुपए खर्चा करके 200 किलोमीटर के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सारपुर से गोसाईगंज, बीकापुर, पटरंगा, रायपुर और जगन्नाथपुर हिस्से का आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है। और 5 पैकेज यही है और 6वां पैकेज अभी मैं बस्ती में जा रहा हूँ, उसका शिलान्यास वहाँ करूँगा। ये 235 किलोमीटर का पूरा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूँ कि यह मार्ग 2023 समाप्त होने के पहले इसका उद्घाटन करने के लिए मैं फिर से अयोध्या आऊंगा। देश भर में आने वाले साधु संत होंगे, अयोध्या में श्रद्धालु होंगे। दुर्गम पथ पर परिक्रमा नहीं करनी पड़ने में तकलीफ होती थी, ये बहुत अच्छा डिजाइन किया है। 10-10 किलोमीटर पर विश्राम करने के लिए जगह है और रोड के बाजू में ऐसी व्यवस्था की है कि 5 मीटर पैदल चलने के लिए किसी भी भक्तों के लिए वहां घास रहेगी जिसके ऊपर उनके पैर पड़ेंगे, जिनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मार्ग बनाया है। मैं लल्लू सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में इसके लिए कार्यक्रम किया था। और महाराष्ट्र में भी मैं एक संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज, देहू और आलंदी दोनों को जोड़ने के लिए 12000 करोड़ रुपए का पालखी मार्ग बना रहा हूं। मैंने लल्लू जी को वो भी दिखाया और उसके डिजाइन के बाद काफी लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद इसका डिजाइन किया गया है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यह बनने के बाद आने वाले हजारों सालों तक आप इसको याद रखेंगे और प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते रहेंगे, इतना विश्वास मैं आपको देता हूं। ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा
और बस्ती से गुजरता है। ये टू लेन पेव शोल्डर मार्ग के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया गया है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ों की पेड़ लगाए जाएंगे और पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास लगाई जाएगी। मैं केशव जी को और लल्लू सिंह जी को प्रार्थना करता हूं कि अयोध्या और ये इस परिसर के जो चित्रकला महाविद्यालय है, आर्ट कॉलेजेस है, उनके विद्यार्थियों की मदद लेकर कोई अच्छे डिजाइन करके रामायण के इतिहास को अगर यहाँ ठीक प्रकार से रखा जाएगा तो जाने वाले श्रद्धालुओं का और भी आनंद आएगा। इसके बारे में मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि यहाँ जो जो लोग अपनी कल्पनाएं बताने चाहते हैं वो पूरी कल्पनाएं, उनकी योजनाएं, उनके मन की कल्पनाएं लल्लू सिंह जी के पास ईमेल करके भेज दीजिए और लल्लू सिंह जी वो पूरी मेरे पास लेकर आइए, हम उस सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ होंगे, क्वारी होगी, पैदल पथ पर कालीन होगा और 84 कोसी मार्ग के आसपास सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को इससे जोड़ा जाएगा। परिक्रमा मार्ग में ठहराव वाली जगहों पर 23 वे साइड एम्यूनिटी बनाई गएगी, जहां श्रद्धालुओं को सात्विक शाकाहारी भोजन मिलेगा। शाकाहारी मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि यह पवित्र काम है और इसलिए स्वाभाविक अच्छा भोजन मिलेगा और विश्राम की उत्तम व्यवस्था होगी। सरयू नदी का अपना इतिहास है, यह साक्षी प्रभु श्रीराम के जन्म से वन गमन हो वैकुंठ गमन तक की रामनगरी में सरयू के दोनों तटों को जोड़ने के लिए 2 भव्य पुलों का निर्माण किया जाएगा, वो भी बहुत ऐतिहासिक होंगे, उसका डिजाइन भी आइकॉनिक होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। अभी मैं प्रयागराज में था तो वहां एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बन रहा है, तो केशव जी ने मांग की तो मैं ब्रिज के ऊपर बड़ा टावर बना रहा हूं, कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहां से पूरा प्रयागराज दिखेगा, वहां आर्ट गैलरी होगी और ऊपर में घूमने वाला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, ऐसा हमने बनाया घोषित किया है। मैं थोड़ा समय दीजिए, अयोध्या के इतिहास को लेकर इस ब्रिज को कैसे करना इसका भी हम जरूर विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं निश्चित रूप से ये दोनों पुल आइकॉनिक होंगे। आज फिर हम अयोध्या के रिंग रोड का भी शिलान्यास कर रहे हैं, ये 67 किलोमीटर है और इसके लिए मैं अभिनंदन करूंगा लल्लू सिंह जी का। लल्लू सिंह जी मेरा इतना पीछा करते रहे हैं कि इन कामों के लिए मेरे घर से अभी तक 20-25 कप चाय तो पीकर गए होंगे, वो इतने उन्होंने चक्कर काटे और बड़े नम्रता से अपनी बात को नहीं छोड़ते और इसलिए ये उनके सपनों की परिपूर्ति है कि अयोध्या का रिंग रोड 67 किलोमीटर पर मेरा विभाग 5,600 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, 5,600 करोड़। यह रिंग रोड बनने के बाद लखनऊ गोरखपुर बस्ती आने वालों का समय बचेगा और प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की यात्रा सुगम होगी। इस रिंग रोड की इस डिजाइन को ऐसा किया है कि आने वाले कई साल तक ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मार्ग है जिसका मैं आज मैंने शिलान्यास किया वो राम जानकी मार्ग परियोजना है, 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके 436 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर और 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 213 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरहलगंज तक 152 किलोमीटर का मार्ग 2023 के पहले पूरा हो जाएगा। बरहलगंज से देवरिया जिले के मेहरोना घाट तक 61 किलोमीटर के सड़क निर्माण का कार्य जनवरी में आरंभ हो जाएगा। बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सीवान तथा पूर्वी चंपारण जिले के चकिया तक 78 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है।
शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक जो नेपाल सीमा में है वहां 63 किलोमीटर सड़क का काम 2022 में पूरा हो जाएगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है और सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक से जनकपुर नेपाल, जनकपुर का संबंध आपको मालूम है अयोध्या के साथ क्या है, वहां नेपाल तक 12 किलोमीटर अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से पर्यटक तीर्थाटन करने वालों के लिए तो उनकी तो सुविधा होगी पर आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। और एक महत्वपूर्ण मार्ग जो है वो बुद्ध सर्किट का है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 20,000 करोड़ की लागत से भगवान गौतम बुद्ध के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए 419 किलोमीटर का मार्ग हम बना रहे हैं। सारनाथ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोध गया तक बुद्ध सर्किट बनाया गया है। जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वास्तव्य हुआ, उनको बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ हर जगह पर हमने जोड़ा है। पटना, गया, डोबी 5,519 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर का रोड बन रहा है। बोध गया, राजगीर और नालंदा के बीच इससे कनेक्टिविटी होगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 6,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग भी हम बना रहे हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पटना से बेतिया तक 8,000 करोड़ की लागत से 167 किलोमीटर 4 लेन मार्ग भी काम हो रहा है, वहां भी भूमि हमको मिल गई है। और एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसका आज मैंने प्रयागराज में शिलान्यास किया और राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास। अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर का राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा है। आज मैं 2100 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर रामपुरिया अव्वल से चित्रकूट का भी शिलान्यास कर रहा हूं। पर लल्लू सिंह जी, मैं चित्रकूट तक रुकने वाला नहीं हूं। चित्रकूट से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होकर रामेश्वरम तक जाएगा। अब अयोध्या से रामेश्वरम, राम सेतु का दर्शन करने के लिए भी हमारे साधु संत इस रोड से वहां तक जा सकेंगे, ये मैं उनको वचन देता हूं। आज मैं इसका जो शिलान्यास कर रहा हूं, ये मार्ग अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, मोहनगंज, अवतारपुर, चित्रकूट, बांदा, सूरत, मुरतगंज, राजापुर से चित्रकूट तक जाएगा। अयोध्या से प्रतापगढ़ तक 102 किलोमीटर मार्ग का निर्माण हो गया है। प्रतापगढ़ से चित्रकूट तक 156 किलोमीटर के मार्ग निर्माण का काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा और अयोध्या से छावनी तक 7 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी और छावनी से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से अवतारपुर आगे जो सड़क है वो भी 2 लेन पेव शोल्डर की बनाई जाएगी। यमुना नदी पर पुराने पुल के साथ 4 लेन का नया पुल का भी इसमें निर्माण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि जून 2023 के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। मेरे पत्रकार मित्रों, मैं करोड़ों में जब बोलता हूं तो लोग विश्वास रखने में थोड़ा पहले हिचकिचाते थे, पर आज आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने समुन्द्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, आप कभी मुंबई जाओगे तो देखो, 55 उड्डान पुल बनाए और मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तब 9 घंटे लगते थे तो मैं कहता था 2 घंटे में जाएंगे, तो लोगों ने मेरा विश्वास नहीं रखा, पर हो गया 2 नहीं 2.25 घंटे में हो गया। और आज देश बदल रहा है। मैं परसों देहरादून में था तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हमारे यहां 10 फ्लाइट्स हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून आते हैं। मैंने कहा लिख लो, आज से 2 साल के बाद एक भी हवाई जहाज नहीं आएगा दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं जो बोलता हूं
वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। ये मैं आपको वचन देता हूं, मेरी एक भी बात अगर नहीं हुई तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं। ये देश बदल रहा है और मुझे खुशी है कि यह सब काम जो है ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण काम था जिसमें लल्लू सिंह जी, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, उन्होंने आग्रह किया था तो अयोध्या के 5 नालों को गोलाघाट, गोलाघाट ए, गोलाघाट बी, सिमोचन नाला, गुरियाना नाला और राजघाट नाला को रोककर उसके जल को परिशोधन करने के लिए एसटीपी और डाइवर्ट करने का काम मैंने उस समय मंजूर किया था। पूरा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हुआ है ना पूरा। बाद में 221.66 करोड़ की लागत से फैजाबाद के सभी नालों को टैप करके एक 33 MLD के एसटीपी लगाने का भी प्रपोजल अप्रूव किया था। और रामायण कालीन जो तालाब थे, वाटर बॉडीज, उसके जीर्णोद्वार के लिए अयोध्या 8 प्रोजेक्ट के लिए मैंने 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया था। आज मुझे खुशी है कि लल्लू सिंह जी ने मुझे और कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग जो अयोध्या बाईपास है 19 किलोमीटर का, जो अभी 4 लेन का है, उसके दोनों ओर उन्होंने मुझे कहा है कि उसको मैं अच्छा बना दूं और ड्रेनेज बना दूं। मैं लल्लू सिंह जी, आपने मांगा उससे ज्यादा दूंगा, मैं सीमेंट कंक्रीट का रोड बना दूंगा आपका अयोध्या के बीच में का, सीमेंट कंक्रीट का, ड्रेनेज भी बना दूंगा, लाइट हो गए तो लाइट भी लगा दूंगा, अगर उसमें फुटपाथ बनानी है तो फुटपाथ भी बना दूंगा, और अगर आप अनुमति देंगे तो साइकिल ट्रैक भी बना दूंगा। मैं निश्चित रूप से यह काम पूरा करूंगा, बहुत कुछ मेरे पास बताने लायक है। मैं उत्तर प्रदेश में 7 हाईवे, ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहा हूं। वह हाईवे आप कल्पना, आप कभी दिल्ली मेरठ चले जाइए, पहले 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। केशव जी और मैं अभी मेरठ में थे 3-4 दिन पहले, तो वहां के लोग बता रहे थे कि हम मेरठ से दिल्ली कैनॉट प्लेस आइसक्रीम खाने के लिए 40 मिनट में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब मैं लखनऊ से कानपुर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन इन्हें नया हाईवे बना रहा हूं, आधे घंटे में कानपुर से लखनऊ, वाराणसी से कलकत्ता तक हाईवे बना रहा हूं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बना रहा हूं, दिल्ली से डेहराडून नया हाईवे बना रहा हूं 2 घंटे का, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 5 साल में हमने 3 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, 1,80,000 करोड़ के काम पूरे किए हैं, 1,60,000 करोड़ के काम शुरू है, 30,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए दिए हैं, पर ये जो काम हुए ये तो केवल ट्रेलर था, ट्रेलर। पर आप डबल इंजन लगा दीजिए, मैं वचन देता हूं कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए का काम कर दूंगा, और उत्तर प्रदेश के रोड को अमेरिका के बराबर पहुंचा दूंगा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है, मैं किसान हूं, मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, हमने इथेनॉल लाया है और इथेनॉल से अब कार, ऑटो रिक्शा सब चलने लगे, जरा इसकी शुरुआत अयोध्या में करिए केशव जी। ग्रीन हाइड्रोजन लाया है, हमारे लल्लू सिंह जी ने मुझे मांग की थी अयोध्या से अकबरपुर जौनपुर तक 140 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन करने की उन्होंने मांग की थी, उन्होंने मुझे पत्र दिया था, मैं उस मांग को आज पूरा मंजूर कर रहा हूं और इस 4 लेन का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, ये वचन देता हूं। इसी मार्ग का DPR फरवरी तक बन जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। जौनपुर से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बन गई है, जौनपुर से वाराणसी का काम अप्रैल 2022 में पूरा हो जाएगा, और इस मार्ग के चौड़ीकरण से अयोध्या से विंध्यवासिनी और काशी विश्वनाथ यहां जाने वालों का समय बच जाएगा। अयोध्या से सुल्तानपुर प्रतापगढ़ तक
106 किलोमीटर का मार्ग को भी 4 लेन करने की लल्लू सिंह जी की मांग को भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 2200 करोड़ रुपए इस पे खर्चा होने वाले लल्लू सिंह जी, मुझे बताइए भारत से स्वाधीनता मिली तब से अयोध्या में कितने रुपए के काम हुए और आप सांसद बनने के बाद कितने रुपए के काम हुए, एक बार जनता को समझाइए। पर इसका श्रेय लल्लू सिंह जी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, केशव जी को नहीं है, इसका श्रेय योगी जी को भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई अयोध्या की जनता को है, आपके कारण यह हुआ है। अरे आप अगर हमको चुनकर नहीं देते, हमारे कलम में ताकत कहां से आती? आज हम कहते हैं ये मंजूर, ये हमारे जुबान में ये ताकत, हमारे पेन में ये लिखनी हुई हमारी स्वाक्षरी जो है, हस्ताक्षर, उसकी कीमत, हमारी औकात क्या थी? भाई और बहनों, ये आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है और इसलिए ये काम भी आपके कारण हो रहा है, भगवान प्रभु रामचंद्र के कारण हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये काम हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने जो अभी तक जो देखा है वो केवल ट्रेलर था, अब असली फिल्म 5 साल की शुरू होने वाली है। फिर से एक बार आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं योगी जी के साथ, केशव जी के साथ, हमारे लल्लू सिंह जी के साथ, हमारे सभी विधायकों के साथ और हमारे पार्टी के साथ। वही प्रेम, वही आशीर्वाद अगर रहेगा तो मैं नितिन गडकरी आपको वचन देता हूं, मैं वो आदमी नहीं हूं कि ये कोई पत्रकार मेरे को मेरे जीवन में सवाल नहीं पूछ सकता। अगर काम करना है तो हां कहता हूं, नहीं कहना है तो नहीं कहता हूं। मैं वचन देता हूं अगले 5 साल में इस पवित्र भूमि में अयोध्या में भगवान प्रभु रामचंद्र को साक्षी रखकर आपको वचन देता हूं, आप डबल इंजन लगा दो, मैं 5 लाख करोड़ रुपए के रोड फिर से नए उत्तर प्रदेश में बना दूंगा और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका के बराबर करा दूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आया हूं। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ऐसा ही रखिए, यही आपसे आभार मानते हुए, अभिवादन करते हुए, धन्यवाद देते हुए मुझे और एक कार्यक्रम पूरा करना है। मौसम भी ठीक नहीं है, बोलने का बहुत कुछ था किसान और खेती के बारे में, पर मैं बाद में कभी आऊंगा। पर आज मुझे खुशी हुई कि लल्लू सिंह जी के कार्यक्रम में हर बार देरी से आता था, वो बोलते थे कभी भी अयोध्या आते तो देरी से आते, कार्यक्रम ठीक नहीं होता, पर आज लल्लू सिंह जी खुश हुए होंगे कि मैंने काफी समय दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK News, राष्ट्र के नाम।